बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज को फिर एक बड़ी सौगात दी है। जिले को पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय की सौगात मिली है। पटना वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से सीएम नीतीश कुमार ने सूबे के दूसरे पशु चिकित्सा महाविद्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर कॉम्फेड के संयंत्रों का उद्घाटन और भवनों का भी शिलान्यास किया गया। किशनगंज के डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज से इस महाविद्यालय का संचालन जारी है। 2022 में सीएम नीतीश कुमार ने इस कॉलेज का उद्घाटन किया था और आज से इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार की इस पहल से जिले में उत्साह का माहौल है। इस तरह से जिले को कृषि कॉलेज, फिशरीज कॉलेज के बाद वेटनरी कॉलेज भी मिल चुका है। आइए जानते हैं इस कॉलेज की क्या खूबी है। कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज किशनगंज हमारे प्रदेश का दूसरा वेटनरी कॉलेज है, जिसको हिंदी में आप पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय भी बोल सकते हैं। तो ये पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की परमिशन बिहार सरकार गजट द्वारा सितंबर 30 में, और इस कॉलेज का उद्घाटन 2022 में हुआ और 2023 से हम लोगों ने किसानों के लिए और सामाजिक ज्ञानवर्धन के लिए कार्यक्रम शुरू किए। आज हमारे महाविद्यालय में करीब 43 वैज्ञानिक हैं जो शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं, अनुसंधान कार्य भी कर रहे हैं और एक्सटेंशन वर्क विस्तार कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। विस्तार एक्सटेंशन वर्क में हम लोग किसानों के लिए 3 तरह के कार्यक्रम रेगुलरली संपन्न करा रहे हैं। किसानों की समस्याएं सुनते हैं, उसको एक हम लोगों ने परफॉर्मर डेवलप किया है, उस पर नोट करते हैं, जिसमें उस किसान का मोबाइल, आधार, सारा बायोमेट्रिक्स हम नोट कर लेते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसके बाद उसको यहाँ हम लोग कंप्यूटर पे इनपुट डाल रहे हैं और एक डाटाबेस तैयार करें कि हमारे किसानों की सीमांचल क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, जिसको हम आने वाले समय में किसी न किसी माध्यम से निदान कर सकें। दूसरा जो हम किसानों के लिए कार्यक्रम करते हैं, लगभग हर 15 दिन में एक हेल्थ कैंप, पशुपालन स्वास्थ्य शिविर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके तहत हम लोग किसानों के जानवरों का मुफ्त इलाज करते हैं। हमारे वैज्ञानिक सुबह उसमें भी 7 बजे जाते हैं फील्ड में और अपने ऑफिस आवर से पहले 9 बजे तक इसको पूरा संपन्न करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं आजकल, वो बिहार सरकार पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रायोजित है। जिसमें हम बांझपन शिविर लगा रहे हैं, पशुओं के बांझपन शिविर लगा रहे हैं, जिसमें पशुओं के बांझपन का इलाज करते हैं। इसमें हमारे वैज्ञानिक अभी तक 4 शिविर लगा चुके हैं, 2 पूर्णिया में और 2 अररिया जिला में, और 20 और 22 तारीख को हमारे वैज्ञानिक कटिहार में बांझपन शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे किसान बांझपन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, हमारे वैज्ञानिक किसानों को उस समस्याओं पे ज्ञानवर्धन करते हैं, भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं और वहीं पे जानवरों के समस्याओं के अनुसार उनको मुफ्त दवाएं भी वितरित करते हैं। करीब जो हम लोगों ने अभी तक 4 शिविर लगाए हैं, उसमें 1000 से 1200 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनको हमने उनके द्वार पे ही जाके ट्रीटमेंट करी है। हमारे वैज्ञानिक वो उनके द्वार पे जाके ट्रीटमेंट करके आए हैं। इसके बाद सामाजिक ज्ञानवर्धन के तहत हम लोग हर समय समय पे विभिन्न कार्यक्रम छात्रों के लिए आयोजन करते हैं, जिसमें कि भूतकाल में हम लोगों ने विश्व अंडा दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, जूनोसिस डे, ऐसे कुछ हम लोगों ने ज्ञानवर्धन वाले कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे सीमांचल क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को हमने ज्ञानवर्धन किया। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में के बच्चों को अपने महाविद्यालय में उनके कैरियर से रिलेटेड 2 दिन का सेमिनार आयोजन किया,
जिसका संचालन डॉक्टर विनोद कुमार हैं हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उन्होंने किया, और सफलतापूर्वक उन बच्चों का हम लोगों ने कैरियर से रिलेटेड ज्ञानवर्धन को देने की कोशिश करी है।